Good evening, everyone. Today, we are going to talk about the phase 2 strategy for NABARD 2022. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं who would be incentivized या फिर enticed to not study in the next 7-8 days till the time the result is out. But in 7-8 दिन में actually phase 2 का result भी decide हो जाता है. That's a reality. Students were able to clear the examination, understand कि हम ये गलती नहीं करेंगे. That we waste these 7-8 days waiting for the result. क्योंकि anyways the result is now not in your hands. आपको नहीं पता कि आपका selection होगा कि नहीं होगा. And thinking about it is also a waste of time. So what's better? What's better is to understand how to study in the next 7 days and how to study if you are selected for phase 2 in the next 1 month. किस तरह से आपको तैयारी करनी है? I will be giving you a broad timeline today. मैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा टू फिगर आउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू हाउ टू डू व्हाटएवर आई एम रिक्वायर्ड टू डू. इसका एक डिटेल टाइम टेबल हम थोड़े दिन एक दिन बाद या फिर प्रॉब्ली टुमारो डे आफ्टर टुमारो वी कैन हैव अ डिटेल टाइम टेबल एज वेल. उस टाइम टेबल में आई विल बी फोकसिंग ऑन टू थिंग्स लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव एसे राइटिंग इंग्लिश टेस्ट राइटिंग. ये दो चीजें मैं एनरोल्ड स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली आई विल बी मेकिंग देम डू फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. उसका मैं आई विल बी क्रिएटिंग अ डिटेल टाइम टेबल फॉर दैट. अदर देन दैट हम लोग ऑलरेडी जो भी कवर कर सकते थे वी हैव डन दैट. वेरी गुड टू सी दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एआरडी एज वेल एज ईएसआई केम फ्रॉम वॉट एवर वॉज टॉट बाय मनीष सर एज वेल एज सूरज सर. ईएसआई के कोर्स में बस एक ही क्वेश्चन था बट दैट्स हाउ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इज. उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस कम फ्रॉम करंट अफेयर्स. नॉर्मली 3-4-5 क्वेश्चन आया करते थे फ्रॉम द कोर्स बट दिस ईयर वी डिड नॉट सी मेनी क्वेश्चंस. ओनली 1 क्वेश्चन इन द मॉर्निंग सेशन नो क्वेश्चन इन द आफ्टरनून सेशन. बट दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फेज 2. दे माइट ईदर टर्न इट अराउंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट फ्रॉम द सिलेबस और दे माइट इवन हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑफ ईएसआई दे माइट हैव let's say 3-4 questions from the course. Us case mein, in that case also, it becomes very important. You cannot ignore it. Therefore, a holistic approach plus a doable approach is relevant, is important for your phase 2. And yes, the most important part is not ignoring the next 7 days. That is the most important part. Because half the battle is won or lost in the next 7 days itself. Let us start with the strategy. एप्लीकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. आई डोंट थिंक आई नीड टू यू नो कम आउट विद इट अगेन. यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द लाइव क्लास शेड्यूल. ये ऐसे ही चलता रहेगा. वी टुक अ ब्रेक आफ्टर इमीडिएटली बिफोर नाबार्ड ईएसआई की क्लासेस बंद की थी बिकॉज आई वॉन्टेड स्टूडेंट्स टू रिवाइज द एंटायर थिंग वट एवर दे हैड रेड. और ईएसआई की क्लासेस फिर से स्टार्ट करेंगे एक दो दिन बाद. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्लासेस फॉर आंसर राइटिंग एंड इंग्लिश टेस्ट राइटिंग एज वेल. ठीक है ना. अब समझ लेते हैं एक एक करके एग्जैक्टली क्या आपको करना है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज एज वेल एज इन द नेक्स्ट 30 डेज. ओके. नंबर 1 इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डू वी नीड टू कवर. हमको करना क्या क्या है सो दैट वी आर एबल टू एलिमिनेट एवरीथिंग एल्स दैट इज इन आवर हैंड्स और जो हमें लग रहा है कि हमें कवर करना चाहिए. सो वी जस्ट डू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ आवर कवरेज. पूरा हमने एक स्कोप बना लिया बाउंड्री बना ली एंड वी नो दैट वी हैव टू कवर वॉट एवर लाइज विद इन दिस बाउंड्री. इसके बाहर जो भी है वो आई डू नॉट हैव टू कवर दैट. ओके. सो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर प्रिपरेशन बिफोर फेज 2 इन द नेक्स्ट 30 डेज इनटू 3 पार्ट्स. करंट अफेयर्स नंबर 1, सिलेबस नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3. तो ये हमें स्कोप बता रहा है. इन करंट अफेयर्स यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज गवर्नमेंट स्कीम्स नॉट वंस बट एटलीस्ट ट्वाइस. एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज ये सारी चीजें आपको दो बार एटलीस्ट रिवाइज करनी है. दैट्स अ मस्ट. एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज इंडिसेस जीडीपी फोरकास्ट पीआईबी करेंट मैक्सिमम 1 ईयर. टाइम नहीं है तो यू कैन लिमिट योरसेल्फ टू 6 मंथ्स बट रिकमेंडेड होता है 1 ईयर. इफ यू डिड नॉट कवर 1 ईयर बिफोर फेज 1 नाउ इज नॉट द टाइम टू कवर द प्रीवियस 6 मंथ्स. जितना कवर किया उसी को रिवाइज करो. दैट्स बेटर. दैट्स गोइंग टू गिव यू मोर रिजल्ट्स. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देवर आई बिलीव 1 क्वेश्चन फ्रॉम सर्वे एंड आई बिलीव 1 क्वेश्चन फ्रॉम बजट इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
And there can be more questions in phase two. There might not even be one question. Nobody knows, that's what the exam is. But cover karna chahiye. And spotlight mein kuch sections revise karne hain. I will be talking about those sections as well. In syllabus, there are three things. Number one, ESI syllabus, ART syllabus, and why the syllabus still holds importance. Bahut sare log abhi, they must be thinking, let's not touch the syllabus at all because there were no questions in phase one. But in phase two, you're going to have descriptive answer writing. And in that, questions are asked from the syllabus. So, wahan par syllabus ki importance badh jati hai, especially ARD. ESI mein we saw last year, more questions were from the current affairs part of the course. For example, MSP policy. Now, it's good that you know the entire history of MSP, jo maine aapko padhaya tha agriculture mein, enrolled students ko, but at the same time, you should be aware about the current happenings in MSP. Similarly, there was a question about WTO, World Trade Organization in agriculture. That means agreement on agriculture ki baat ho rahi thi. Now, you should be aware about it, number one, जो कि कोर्स में पढ़ाया जाता है, प्लस उसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा सा रोल भी है. नंबर थ्री, बकेट ऑफ एसेज विद फैक्ट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एन एसे ऑन एग्रीकल्चर, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स 3.9% एंड 3.6% टू GDP. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इन द मॉर्निंग शिफ्ट. तो ये आपके दिमाग में फैक्ट, इफ यू ऑलरेडी मक्ड अप दिस फैक्ट, इफ यू ऑलरेडी मेमोराइज दिस फैक्ट, it becomes easy to write it in the essay, otherwise it becomes virtually impossible. So essays, aapke paas ek bucket hona chahiye from different areas with facts. This should be ready. Tests, third portion jo hai usko hum bolte hain tests. So there are three different types of tests that you have to write regularly. Kaise likhne hai wo main bataunga abhi aapko, don't worry. Number one, ESI and ARD ke objective mocks with analysis. Now everything has to be done with analysis. Without analysis, it's literally useless. कोई फायदा नहीं होगा उसका. 10 marks at least you have to write. Similarly, ESI and ARD answer writing with analysis. This analysis I am going to do with live writing. Live writing जो मैं कराऊंगा उसमें मैं ये analysis आपको करवा के दूंगा. 10 marks of this. English descriptive again with analysis. 10 marks of this. This will also be done in the live writing जो हम एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग से करवाएंगे. वेयर आई गिव यू एन एंटायर टेस्ट, आप उसको लिखोगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्कोप, करंट अफेयर्स, सिलेबस, टेस्ट. इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू टच एनीथिंग एल्स, बिकॉज आप 50 पेरिफेरल चीजें उठा लो, इट्स नॉट रेलिवेंट. यू फर्स्ट फोकस ऑन द कोर्स. इफ यू आर ऑलरेडी डन विद दिस कोर, देन प्रॉब्ली यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स. बट यही रिवाइज करने में इट ईजिली टेक अ मंथ, एक महीने से ज्यादा भी लग सकता है, बट दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव. इट विल ईजिली टेक अ मंथ. एंड दीज 7 days, द फर्स्ट 7 days आर सो रेलिवेंट, बिकॉज इन दीज 7 days यू कैन, इफ नॉट लेस, यू कैन रिवाइज गवर्नमेंट स्कीम्स, एनुअल रिपोर्ट्स, NPIB एटलीस्ट वंस. ये 7 दिन में आप ये 3 चीज कर लोगे, यू आर ऑलरेडी नॉट 1 step, 10 steps अहेड ऑफ अनदर स्टूडेंट, बिकॉज यू ऑलरेडी रिवाइज इट वंस. Now you still have time to revise it twice, thrice, 4 times. Automatically, you are increasing your chances of increasing your accuracy and getting selected. Okay. Ab question aata hai. Now the question arises, how to cover it? First, let us pick up the current affairs part. Kis tarah se aapko cover karna hai? Not a day-to-day timetable, because that will be spoon-feeding. You can create your own timetable. You are mature enough, grown up enough. Mera objective aapko batana ki kitne din mein minimum आपको कवर करने की जरूरत है. स्कीम्स 3 days में आपको, यू शुड बी डन विद रिविजन ऑफ द एंटायर स्कीम डॉक्यूमेंट. देर आर अ टोटल ऑफ 3 documents जो हमने आपको दिए हैं, 400 pages के अराउंड. 3 दिन में आपको रिविजन हो जाना चाहिए. वाई ओनली 3 days? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी कवर्ड द स्कीम्स वंस बिफोर फेज वन. तो अगर आप फेज वन से पहले ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके, आई डोंट थिंक इट शुड टेक मोर देन 3 days. यू हैव टू डू इट ट्वाइस. And the second time you do it, you try to complete it in 2 days. So you're taking a total of 5 days. 2 din second time mein le rahe ho, 3 din first time mein le rahe ho, total 5 days. Similarly, PIB current, 1 year, 7 days, 2 times about 10 days. If you're covering for 6 months, automatically try and reduce the time period. Probably let's say 3 days or 4 days for once,
and another 2 days for the second time, so total of 6 days. That means you can also save time for other topics. ये आपको करना चाहिए. This is the time span that I have created for this. अब आप बोलोगे सर इनका सबका टाइम मिला देंगे तो एक महीने से ज्यादा बन रहा है. Of course, एक महीने से ज्यादा बनेगा because I have put the revision twice. You don't cover schemes first and then revise it again at the same time. You first cover schemes first, move to PIB current, cover it once, move to annual reports, cover it once, let's say move to survey, cover it once, and then come back to schemes and cover it again. This way, आप तीन चार चीजें एक साथ कवर कर रहे हो and then you're coming back to the first thing. Okay? Annual reports and surveys, 2 दिन में हो जाना चाहिए. You revise it twice and the second time you revise it, you take about a day, तो आपका 3 दिन में पूरा कवर हो जाना चाहिए. Economic survey and budget, 1 day you take to revise and total 2 days you take to revise it twice. आप बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, but यहां पे if you're starting from scratch, of course you cannot clear the examination, you cannot expect कि मैं आपको कोई ऐसा टाइम टेबल बता दूं जिससे आप उतने ही घंटों में you are able to read as much as the student has covered in the last 1 year or 6 months. That's just impossible. Okay, सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने में टाइम लगा है. Okay, if somebody starts playing cricket today, let's say he's 9 years old or 10 years old, he cannot expect कि मैं 2 दिन में तेंदुलकर की तरह I will start playing. It takes time. Similarly, here I'm assuming that you've already covered these ones because we've already given you all this stuff और ये सब revise भी करा चुके हैं मनीष सर. So it's now your responsibility कि हम multiple times इसको revise करें. Indices and GDP forecasts, not more than 1 day. Spotlight में you are required to cover national news, agriculture की जितनी भी news हैं, reports जितनी भी spotlight में दी हुई हैं, mentioned हैं, you should be aware about those reports. State schemes might also be asked. Till last year they were asked. Surprisingly in phase 1 this year there was no state scheme, but they can come in phase 2. Okay, because last year तक आया करती थी. GDP numbers जो भी revise होते रहते हैं. Important days फेज 1 में भी पूछे थे, फेज 2 में भी. दे हैव अ टेंडेंसी टू आस्क 1 or 2 ऑड क्वेश्चंस, नॉर्मली 1 क्वेश्चन. इंटरनेशनल ट्रीटीज, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. बैंकिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी और ARD. नाउ बैंकिंग पर से इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट बैंकिंग रिलेटेड टू एनी इंफॉर्मेशन न्यूज फ्रॉम बैंकिंग एरिया इन विच दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इन विच दे आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. RRBs have done something. The banking sector has done something for rural India. Priority sector lending में कुछ हुआ है. छोटी छोटी चीजें, small small things. Some kind of, let's say, ATM scheme for rural areas. Some kind of new banking correspondent scheme for rural areas. Not scheme, a program or something launched by a bank. कोई app launch करी है rural area के लिए. Those kind of facts might also be asked. One markers में पूछे जा सकते हैं. Awards, ये भी आपको cover करने चाहिए. एक आध question आ सकता है. 6 months का आपको कवर करना है एंड द मैक्सिमम टाइम दैट यू हैव इज 3 डेज हेयर. आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट यू आर पिकिंग एंड चूजिंग हेयर, यू आर नॉट कवरिंग द एंटायर स्पॉटलाइट. इसमें यू हैव टू प्ले अ रोल, मेक श्योर दैट यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ एंड कवरिंग वट एवर यू फील इज रेलिवेंट, बिकॉज मेरे लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल है पूरी स्पॉटलाइट फिर से छानना और आपको देना कि ये पढ़ लीजिए बस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बिकॉज किसी को नहीं पता कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. They literally have, there is literally no boundary. तो हमें जो भी हमारे पास है we should be able to cover it. Okay? So this is what we have for spotlight. ये हो गया पूरा हमारा current affairs का. Let's now move to the syllabus part. Syllabus में you have ESI, ARD and bucket of essays. Try to make sure that you're able to revise economic and social issues in 5 to 7 days. ARD syllabus in 7 to 10 days. Why am I giving more time to ARD syllabus? Because more direct questions can be asked from ARD syllabus, just like we had in phase 1. ARD ke syllabus mein se zyada questions aate hain. And even in descriptive writing, in answer writing, you have questions coming directly from agriculture and rural development. I'm very happy because Surat sir ne jitna bhi dedication se ek mahine mein padhaya hai, उसमें से काफी क्वेश्चंस लिटरली उन्होंने मुझे दिखाए हैं और आए हैं. एंड आई एम वेरी श्योर द सेम थिंग विल हैपन इन फेज 2 एज वेल. अगर आप वो अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके चले जाओगे तो नो नीड टू कवर समथिंग न्यू, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ.
मेक श्योर कि जो आपने पढ़ा है वो आप बार बार रिवाइज करो, रिलाई ऑन इट. बकेट ऑफ एसेज विद फैक्ट्स, ट्राई टू कवर एटलीस्ट 50 एसेज. यहां पे ये होप ना करें कि यही ऐसे आ जाएगा, बट द फैक्ट्स, द आर्ग्यूमेंट्स दैट यू क्रिएट, दैट यू लर्न, दैट यू अंडरस्टैंड थ्रू दीज 50 एसेज, दैट विल हेल्प यू राइट अ बेटर एसे इन द फाइनल एग्जाम. 10 दिन इसको आपको इजिली लग जाएंगे कवर करने में. यू माइट टेक आउट लेट्स से 2 hours एवरी डे, 2 घंटे में आपने 3-4 essays, 5 essays अलग अलग टॉपिक्स के. यू कैन जस्ट सिंपली क्रिएट अ हैबिट, लेट्स से एजुकेशन, पास्ट परफॉर्मेंस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. अब आप हर एसे में ये क्रिएट कर सकते हो. इंडियन एग्रीकल्चर, पास्ट परफॉर्मेंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज. एग्री टूरिज्म, पास्ट परफॉर्मेंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज. विमेन एम्पावरमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज. वाटर स्कैसिटी इन इंडिया, चैलेंजेस, पास्ट परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटीज. लैंड रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, पास्ट परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटीज. यू कैन लिटरली क्रिएट ऑल द, यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स थ्रू दीज 3 things फॉर एवरी सेक्टर, एवरी every question that can possibly be asked around every topic, वो सब यहाँ पे cover कर सकते हो. Climate change, past performance, challenges, opportunities. Sustainable development, growth, challenges, past performance, opportunities. सब के around आप easily create कर सकते हो. That's the simplest method that you can follow. Okay? इसके through आप आराम से 50 essays का fodder बना सकते हो. Now let's come to the tests, which is the last part. For this session, हमने 3 parts में divide किया था, current affairs, syllabus and tests. Current affairs and syllabus, I hope it is clear. Let's come to tests now. In tests, I have created a very unique and a very thought-provoking kind of a method, which is very exhaustive. मुश्किल होने वाला है, let me be very clear, it's not going to be easy, but it will be worth it. ESI and ART, objective mocks with analysis, 10 लिखने हैं, मैंने आपको ये बताया था. Similarly, answer writing with analysis 10 and descriptive with analysis 10. Now, what do? After every 3 days, you spend 1 day on mocks. Keep 1 day after every 3 days for mocks. You might say, sir, I have not revised everything. I will not be confident in my mock. You will never be confident in your mocks if you keep thinking that I have not revised. Jitna aapko padhna tha, aapne padh liya. Now, you just have to keep revising it. जितना रिवाइज करोगे उतनी मेमोरी बेटर होती जाएगी. सो दीज मॉक्स शुड वर्क एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज एज वेल, नॉट टू जज योरसेल्फ. आप इससे अपने आप को जज नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ थ्रू दीज मॉक्स, नॉट जज योरसेल्फ. सो प्लीज डोंट टेक द मार्क्स ऑफ दीज टेस्ट सीरियसली, इनके मार्क्स को सीरियसली ला लें. फोकस मोर ऑन द क्वेश्चन दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने आंसर सही से किया, नहीं किया, गलत किया तो क्यों किया, गलत किया तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. लेट मी गो थ्रू द एंटायर कॉन्सेप्ट वंस अगेंस्ट, लेट मी रिवाइज, लेट मी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट दैट आई डोंट रिमेंबर एनी मोर. तो आपको करना क्या है, 1 day आफ्टर 3 days यू आर कीपिंग फॉर मॉक, एंड इन दिस 1 day आफ्टर 3 days व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लिटरली कीपिंग द एंटायर डे फॉर मॉक्स. पूरा दिन आप मॉक के लिए रख रहे हो. हाउ डू यू डू इट? इन द मॉर्निंग यू गेट अप एट लेट्स से 6:30, 7 o'clock you sit down for a test. 30 मिनट का टेस्ट आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव का, 30 मिनट्स का आपने टेस्ट लिखा, 7 to 7:30, टोटल ऑफ 30 questions. यू कैन क्रिएट योर ओन questions, मिक्स अप सम questions एंड क्रिएट योर ओन questions, और यू कैन also यूज जो भी मैं मॉक्स आपको देने वाला हूं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे. यू कैन also स्टार्ट टेकिंग दोज मॉक्स एंड देन यू रेस्ट फॉर एन आवर. 1 घंटा रेस्ट किया, आधा घंटे नैप ले लिया, आधा घंटा ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हो गए, नहा लिए, डन. Now you sit again because this is going to be a hectic day. You again sit at 8:30 to 10 a.m. 1.5 ghanta, you're going to write answer writing for the next 90 minutes or 1.5 hours. You're going to pick up 4 questions without any options. Aapke paas yahan pe koi option nahi hoga. In the mocks, only in the final exam you're going to have options. Kyunki if you prepare 1 step ahead of the final exam, only then you will win. Otherwise, you will always keep looking for ways to, you know, find another option, go another way. कि ये second वाला नहीं आता है, third वाला शायद आता है, let me choose that. Please, let's not do that before the examination. ठीक है ना? जो सामने हमारे question है, वो हमें solve करना है, that's it. So,
मॉर्निंग में 8:30 to 10 90 मिनट्स योर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग टेस्ट पूरा 90 मिनट का चार क्वेश्चंस के साथ एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेक अ रेस्ट फॉर 2 आवर्स इन 2 घंटों में यू कैन टेक अ गुड स्लीप 1 घंटा 1.5 घंटा सो थोड़ा सा खाना खा लो उसके बाद एंड देन यू आर रेडी अगेन ओके बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ हेक्टिक डे बट ये आपको बस 10 बार करना है ओनली 10 टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट एंड इट कैन चेंज योर लाइफ लुक एट इट दैट वे ये मत सोचिए कि यार ये तो बहुत मुश्किल है ये सोचिए कि यार आई हैव टू डू इट जस्ट 10 टाइम्स आई डोंट थिंक दैट्स डिफिकल्ट इनफ इट्स लाइक गोइंग फॉर अ मैराथन 10 टाइम्स टू मेक श्योर कि आप फाइनल मैराथन में आराम से क्लियर कर पाओ ओके एंड दोस 10 मैराथन्स और हाफ मैराथन्स बिफोर द फाइनल मैराथन माइट लुक डिफिकल्ट बट दे आर इंपॉर्टेंट दे आर रेलिवेंट विदाउट दीज प्रैक्टिस सेशंस 10 टाइम्स 20 टाइम्स फाइनल मैराथन नहीं निकलेगा आपका तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है एंड हैज टू बी एग्जॉस्टेड तो आपको बस 10 बार करना है आई डोंट थिंक इट्स अ लॉट 1, 2, 3, 4, 5 पे पहुंचोगे यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट कि यार 5 हो गए ओनली 5 मोर लेफ्ट इट्स लाइक अ गेम देन यू सिट अगेन इन द आफ्टरनून 12 to 1:30 डेढ़ घंटे आप बैठोगे 90 मिनट्स एंड इन दीज 90 मिनट्स यू विल राइट 1 essay 1 precy एंड 1 RC के साथ आई विल बी गिविंग यू लेटर एज वेल एंड सर्कुलर या फिर रिपोर्ट्स ऑल्सो इन सम essays ये मैं आपको दूंगा जो भी हम लाइव राइटिंग कराएंगे यू डू दिस फॉर 1.5 आवर्स 12:00 to 1:30 PM एंड देन यू टेक अ रेस्ट फॉर 2 आवर्स 2 घंटे का रेस्ट लोगे 1:30, 2:30, 2:30, 3:30 3:30 आप उठ गए यू टेक अनदर रेस्ट फॉर लेट्स से 1.5 आवर्स मोर बिकॉज यू प्रॉब्ली टू टायर्ड एग्जॉस्टेड फॉर द डे एंड यू सिट बाय 5 PM दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू टेक इफ यू कैन सिट बाय 4 PM वंडरफुल यू विल हैव मोर टाइम टू एनालाइज The minimum time that you take for analysis is about 5 hours. You take two hours for mocks, 2 hours for answer writing and 1 hour for English. Abhi analysis mein karna kya hai? You don't just look at a question and its answer. You ask yourself, maine sahi kiya tha? Was it a fluke or did I know it? I knew it, good enough, let's move forward. It was a fluke, not good enough. If in the final exam, a question is there from the same, let's say, same area, same topic, हो सकता है मैं गलत कर दूं आई माइट डू इट इनकरेक्ट ओके इट्स बेटर दैट आई गो थ्रू द टॉपिक नाउ देन टू रिपेंट लेटर दैट आई डिड नॉट कवर इट बिफोर इवन दो देयर वाज अ क्वेश्चन इन द मॉक्स और लेट्स से यू कुड नॉट आंसर अ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ व्हाई वाज आई नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन डिड आई रीड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट लेट्स से यू कम टू द कंक्लूजन मैंने पढ़ा ही नहीं था आई डिड नॉट रीड दिस टॉपिक एट ऑल इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रीड इट नाउ It's better than repenting later that there was a question from this in my mock. I did not read it then. I just flashed through it. And now there is a similar topic being asked in the examination. So we'll better read that now. So in order to do this exercise for 30 questions, it will take about 2 hours, not more than that. And it's good enough. Similarly, you will take 2 hours for ASI and ARD, answer writing ka analysis. Answer writing analysis mein you pick up the question, you try and अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा था यू कैन गूगल दैट क्वेश्चन एंड फिगर आउट कि उसके अराउंड क्या क्या लिखा जा सकता था इफ यू डोंट हैव सैम्पल आंसर्स यू कैन वेरी वेल यू नो स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि गूगल पे क्या क्या अवेलेबल है सो फॉर 4 questions इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 आवर्स एक क्वेश्चन आधा घंटे में हो जाना चाहिए ओके फॉर इंग्लिश यू टेक अबाउट 1 hour बिकॉज छोटा होता है देर आर ओनली 3 questions प्रेसी डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड वेर डिड यू गो रॉन्ग You create a structure, try and understand where did you go wrong. Similarly for RC, you can easily figure out कहाँ पे गलती करी आपने. और essay में you can try and Google it again and figure out कि भाई ये लिख सकता था but I did not probably write it. So you make your own analysis. जो भी enrolled students हैं, of course, just like we did in RPI, I will be doing a lot of live writing. और उस live writing में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको लिखना था, what all things you had to write. और आई विल बी पिकिंग अप सम रैंडम कॉपीज और मैं लाइव इवैल्यूएशन करता हूँ थ्रू विच ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न ऑफकोर्स इट्स इम्पॉसिबल टू चेक ऑल द कॉपीज इन वन सेशन क्योंकि 100-150 स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत मुश्किल है सबकी कॉपीज चेक करना एक वन गो में बट 8-10 उठा लेते हैं एंड थ्रू दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माई पेपर इन माई राइटिंग व्हाट एवर सर हैज गिवन एज इवैल्यूएशन उसके बेसिस पे यू आर एबल टू फिगर इट आउट ओके तो ये है हमारा ब्रॉड स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 1 month सबसे पहला आपका टारगेट है टू फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट 1 week टिल द टाइम द रिजल्ट इज आउट
जैसे ही रिजल्ट आएगा देन यू कैन रिफाइन योर प्रिपरेशन इवन फर्दर एंड गो इन फुल फ्लो फॉर द नेक्स्ट वन मंथ. एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट वन मंथ, प्रॉब्ली मैक्सिमम 35 to 40 days, बट दैट्स ऑल. उतना ही टाइम मिलता है नॉर्मली. वट एवर टाइम यू गेट एडिशनल टू दैट इज अ बोनस फॉर यू. 30 दिन में जो भी करोगे यू रिपीट द साइकिल, डू इट ऑल ओवर अगेन, कीप रिवाइजिंग टिल द टाइम द एग्जाम इज हेल्ड. स्टॉप थिंकिंग अबाउट वेन द एग्जाम विल बी, बिकॉज आपके सामने स्ट्रैटेजी है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यू रेड एवरीथिंग, यू मेमोराइज एवरीथिंग, यू रिवाइज एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स, यू जस्ट नीड टू रिपीट द सेम साइकिल एंड एड अ लिटिल बिट ऑफ न्यू मेथड्स, जस्ट लाइक टेकिंग टेस्ट इन योर प्रिपरेशन. ओके, वट एवर डाउट्स यू माइट हैव, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, यू कैन प्रॉब्ली कॉमेंट मी बिलो इन द कॉमेंट चैट बॉक्स और मैं आपको उसमें आंसर करने की कोशिश करूंगा. आई प्रॉब्ली क्रिएट अ वीडियो इफ देर इज अ लेंदी क्वेश्चन जिसका लेंदी आंसर हो सकता है. सो वट एवर योर क्वेश्चन माइट बी, वट एवर योर डाउट्स माइट बी, फील फ्री टू पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर देम फॉर यू. I'll see you very, very soon, guys. This was all for this session. All the best. Take care. Jai Hind.